पंजाब के दावे हैं कांग्रेस नेता दीपक शर्मा के पिता की कोरोना से मौत के बाद इलाके में दहशत में उनके अंतिम संस्कार का जोर दिया। दो दिन पहले ही दीपक शर्मा ने मिठा बाजार में लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी थी, जिससे आम लोगों पर भी कोरोना का खतरा बढ़ गया। अब जिला प्रशासन पूरे इलाके को क्वारंटीन कर सकता है। जयपुर का रामगंज कोरोना संक्रमण का नया एपी सेंटर बन गया है। जयपुर के 129 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 106 रामगंज के हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ओमान से वापस आए एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की लापरवाही से केस बढ़े। राजस्थान के 35 में से 23 जिलों में कोरोना के केस मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 413 पहुंच गया है। आज भी 30 नए मामले सामने आए हैं। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां एक डॉक्टर की कोरोना वायरस से मौत हो गई। 68 साल के डॉक्टर शत्रु ने पंजवाड़ी शहर में इंदौर के सीएमओ ने डॉक्टर शत्रु की कोरोना वायरस से मौत रिपोर्ट की। इंदौर में कोरोना से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 213 लोग भारत से। इंदौर में अचानक मुस्लिम समुदाय की मृत्यु दर बढ़ जाने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में सिर्फ 6 दिनों में शहर के अलग अलग कब्रिस्तानों में 127 जनाजे पहुंचे। कब्रिस्तान की देखरेख करने वालों का दावा है कि उनकी हो गई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इनकी मौत किन वजहों से हुई है, क्या इसे कोरोना से मरीज भी थे। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को घोपे तरीके से दफनाने का मामला सामने आया। कोरोना संदिग्ध की जांच का परिणाम आने से पहले उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने प्रशासन को बिना बताए उसे दफना दिया। जनाजे में कई लोग शामिल हुए। पुलिस ने 28 लोगों पर FIR दर्ज किया है। परिवार के 12 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है, जबकि 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए एक्शन लेके DIG अरुण मोहन जोशी देहरादून के निरीक्षण के दौरान घंटाघर इलाके बर्बाद होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में किसान खुद अपने परिवार के साथ फसल काटने में जुटे हैं। तस्वीरें हरियाणा से हो सकती है। किसानों का कहना है कि फसल काटने वाली मशीन बेहद महंगी है। ऐसे में किसान राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया भर में कोरोना ने पार किया 15 लाख। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन कोरोना ने बरसाया है। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली पर था कोरोना संकट और पीएम मोदी की फिर से किससे बताया संकट। दुनिया की 9 बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुनिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर पीएम मोदी के मरीज हो गए हैं। अपने राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान जेयर ने पीएम मोदी और भारत की जनता का शुक्रिया किया। ब्राजील की राष्ट्रपति ने भारत द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजी जाने को हथियार द्वारा संजीवी लाती जैसा बताया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 89,000 मरीजों की मौत हो गई है। वही 15 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अभी भी 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिनमें से 4% केस गंभीर हैं। 4% मरीज लगभग 2,000 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 14,780 हो गया। संक्रमित मरीजों की संख्या 4,00,000 हो गई। इसी बीच अमेरिका में कोविड-19 के दूसरे व्यक्ति का इंसानों पर इलाज किया गया। अमेरिकी रिसर्च 40% लोगों पर नक्सली हत्या करते हैं। सहयोगियों को गिरफ्तार किए जाने का विरोध कर रहे हैं। या PPE न मिलने पर डॉक्टर
Yeah.